आज है कोवलम का लास्ट डे और हम लोग का एनिवर्सरी है। तो सबसे पहले एक टेम्पल चलेंगे और फिर देयर आर लॉट ऑफ प्लान्स। हेलो, ब्रेकफास्ट हो चुका है, काफी अच्छा ही था। हाँ, बहुत टेस्टी था। हाँ। और कल क्या हुआ, हम लोग उस तरफ जब जा रहे थे तो हमें एक ऐसे ही ऑटो ड्राइवर ने अप्रोच किया, उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे घुमाएंगे, फिर उनसे बात हुआ तो आज हम लोग जा रहे हैं पूवर लेक और आली माला टेम्पल। माइंड माई प्रोनाउंसिएशन। कोवलम से आदिमाला टेम्पल का डिस्टेंस है 10 किलोमीटर। हम लोगों को जाने के लिए 10 टू 15 मिनट्स लगे थे। ऑटो वाले भैया ने कोवलम बीच से आदिमाला टेम्पल और पूवर पूरा घुमाने के लिए 450 रुपीस चार्ज किए थे। ये है पार्किंग एरिया और ये है टेम्पल और वो रही महादेव का मूर्ति। हम लोग अंदर जाके भी दिखाएंगे। अच्छे टाइम पे आए हैं हम लोग, पूजा भी चल रहा है। फीट का स्टैचू शिव जी के गंगाधरेश्वर फॉर्म को दिखाता है और सबसे बड़ा सरप्राइज पार्ट है ये, इस अमेजिंग स्टैचू को बनाया है एक 29 साल का आर्टिस्ट ने जो आजीमाला में ही रहता है। आजीमाला टेम्पल के जस्ट पीछे यहाँ पे एक बीच है और दूर वहाँ पे दिख रहा है अदानी फोर्ट, जो कि यहाँ का एक बहुत कोवलम का एक बहुत स्पेशल हार्बर है। और ब्लू एकदम सी। इस अमेजिंग मूर्ति को जो अच्छे तरीके से डिटेलिंग किया हुआ है वो देखने लायक है। पीछे आजीमाला टेम्पल छोड़ के आए हम, अभी हमारे आगे है पूवर लेक। चलिए। और आजीमाला टेम्पल से पूवर का डिस्टेंस भी है 10 किलोमीटर। और पूवर के लिए एक सेपरेट वीडियो आएगा जो डिटेल्स के साथ आप लोगों को देखने में भी आसानी होगी, समझने में भी आसानी होगी। इस ब्लॉग के बाद पूवर वाला ब्लॉग आएगा, वो मिस मत करना, बहुत कुछ है दिखाने को और आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगेगा। सो यहाँ पे एक फेस्टिवल चल रहा है, सो पूरा एकदम अच्छे से सजाया गया है, बहुत ही सुंदर सा है। और अगर देख सकते हैं, दिस इज लाइक अ बोट, सो गुड। लास्ट में दो चर्च देखने के बाद हम लोग आ गए हैं कोवलम बीच पे और पिए नारियल पानी जिसका वाटर बहुत ही मीठा था। और धीमा तो नारियल पानी पीकर बहुत खुश हो गया था, फिर उसको खाना था मैंगो, कच्चा मैंगो। और काटने के बाद हम लोगों ने देखा ये कच्चा मैंगो नहीं था, ओके ओके था टेस्ट। हम लोग वापस आके रेडी हो चुके हैं, अभी थोड़ा नहाएंगे। अभी अच्छा ही हुआ, बहुत हम लोग जब गए थे पूवर तब पूरा सनी वेदर था जो हमें चाहिए था, अब यहाँ आए और यहाँ पे अभी थोड़ा क्लाउडी हो गया है, मजा आएगा। ये बीच का एक बहुत अच्छी बात है, वाटर इज सो डैम क्लीन। हेलो,
पूरा ब्लैक सैंड ही है। अलग ही एक टेक्सचर बना हुआ है, ब्लैक सैंड है और उसके ऊपर ऊपर नॉर्मल जो गोल्डन सैंड है और उसका पूरा टेक्सचर। We go there, small bodies we go there. Then after this is the big boat. Then after you are saying. Till what time? Boating also I will do. Till what time it will be open? The morning 10:30. Evening 6:00. So we have our cameras and everything for that. This is my name Shah. Shah. Yeah. I am here. This is my name. Ocean. I am here. You come directly here in the blue umbrella. Okay. So अब पता नहीं कि पैराशेलिंग करेंगे कि नहीं, बट ठीक ठाक है रेट, उतना मुझे खराब नहीं लगा। 2000 पर पर्सन ठीक है। और वो बोट का क्या बोला? 4000 या 3000? वो बोट का कुछ 20 मिनट्स घुमाएंगे वो, उसका लेते हैं 2000 फॉर बोथ ऑफ अस। तब तो बहुत एक्सपेंसिव है। दैट्स एक्सपेंसिव। वही वही। और एक कुछ 10 मिनट घुमाएंगे फॉर दैट 1000। सो मुझे उतना सही नहीं लगा, मतलब बोटिंग के लिए इतना खर्चा करना। 2000 में पैरासेलिंग हो रहा है तो आई थिंक दैट्स बेटर। इंफॉर्मेशन ले लिए। हाँ। और समंदर से उठ के फिर नहा के फिर आ चुके हैं खाना, बहुत भूख लगा है। कुछ देखते हैं और गुड थिंग अबाउट दिस प्लेस इज जो सोडा है वो अलग से दिया जाता है और जो स्वीट एंड सॉल्ट और लेमन का जो मिक्सचर वो अलग से दिया जाता है। सो यू कैन ऐड इट अप और बेस्ड ऑन योर टेस्ट आप उसको एनहांस कर सकते हैं। यहाँ का चिकन बिरयानी है, इसके साथ पापड़ भी आता है और यह है रायता, यह है ड्रैगन चिकन और ये रही लेमन सोडा। आज का लंच यहाँ सब फ्रिज मैग्नेट है, फिक्स प्राइस है, बहुत अच्छी चीज़ है, हमने पहली बार देखा। दीज आर ऑल 95, ये 125 का है, ये सब 55 का है, उधर लिखा हुआ है। दिस इज लाइक अ ग्रेट थिंग। ये थोड़ा अलग है, ये वुडन का है ना? हाँ, वो वुडन है। सुंदर सा सनसेट के बाद हम लोग आ चुके थे हम लोग के डिनर डेट पे। हम लोग के 4 साल हो गया है शादी का। मैं भी बहुत खुश थी और दुआ भी बहुत खुश था। हम लोगों ने प्राइस टेस्ट किए। फर्स्ट एटर आ चुका है जो है फिश फिंगर। एनिवर्सरी स्पेशल डिश के लिए फ्रेश प्रॉन्स सिलेक्ट करने आ चुका हूँ। और हमारा एनिवर्सरी स्पेशल डिश बन के आ चुका है प्रॉन्स तवा फ्राई। दिस इज
पफर फिश, अब इसका कुछ और भी नाम हो सकता है मुझे जितना पता है। ब्लॉग यहाँ पर ख़त्म करते हैं हम लोग, हम लोगों का डिनर हो चुका है और थोड़ा पैकिंग करना होगा, कल जा रहे हैं कन्याकुमारी। यस, अभी पीछे लाइट हाउस दिख रहा है ना, तो लाइट हाउस रह जाएगा और हम उसको पीछे छोड़ के फिर द टिप ऑफ साउथ इंडिया जा रहे हैं कल सुबह सुबह। तो आज रात कोवलम में हम लोगों का आखिरी रात है, लेकिन क्या कर सकते हैं, पैकिंग वैकिंग इतना है वो सब करके फिर जल्दी जल्दी उठ के निकलना है। सो विदाउट फर्दर अड्यू तो आज का ब्लॉग ख़त्म करते हैं। कुछ अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड सपोर्ट अस। गुड नाइट।